इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति के चयन को लेकर चल रहा विवाद अब थम गया है। राज्यपाल के अनुशंसा पर डॉक्टर गिरीश चंदेल को कुलपति नियुक्त किया गया है, जिसके बाद सूबे के मंत्री रविन्द्र चौबे ने राज्यपाल को छत्तीसगढ़िया कुलपति का चुनाव करने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही मंत्री चौबे ने कहा, यह हम सबके लिए गौरव की बात है कि यह पहले कुलपति है जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को ख्याल रखा जाएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए ही छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की गई। बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति को लेकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विद्यार्थियों सहित राजनीतिक गलियारों में भी स्थानीय व्यक्ति को कुलपति बनाने पर जोर दिया जा रहा था, जिससे लेकर कुछ विवाद की स्थिति भी आई। अब डॉक्टर गिरीश चंदेल को नए कुलपति बनाए जाने पर सभी में हर्ष व्याप्त है। एक आध बाहर के भी रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी स्थानीय लोगों को मौका मिले। मुख्यमंत्री जी के साथ हाई कमांड की चर्चा होगी, उसके बाद इस पे निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि ये कांग्रेस के आला नेताओं के द्वारा निर्णय किए जाने वाले बिंदु हैं, इसलिए इसमें बहुत अधिक टिप्पणी नहीं करूंगा। और जहां तक महामहिम जी के द्वारा आपने कहा ना, स्थानीय कुलपति की नियुक्ति की जा चुकी है। आदरणीय महामहिम के लिए तो मैं और बधाई और धन्यवाद के शब्द कहूंगा। वो छत्तीसगढ़ी अस्मिता और कला में रम गई हैं, रच गई हैं, बस गई हैं। कल हमने राजिम में देखा, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कुम्हारों का चाक मिट्टी चला करके दिखाया था, दिया बना करके, हमने मीडिया में देखा महामहिम जी ने भी राजिम मेला में इस तरीके से चाक कुम्हारों के चाक से अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। आदिवासी संस्कृति में जो तुराही बजाने का जो कार्यक्रम होता है, महामहिम ने के हाथों में हमने उसको भी